सेजल, वन मिनट। यस, व्हाट डू यू वांट? नहीं, नाम पूछा तो आपने बताया नहीं, इसलिए नाम पता करके आया। सही किया ना? मैं आपको जानती नहीं तो मैं अपनी जान पहचान क्यों बढ़ाऊं? देखो, ऐसे बोलोगी तो हमारे तुम्हारे बीच में जान पहचान कैसे बढ़ेगी? खैर छोड़ो, वैसे हमारा परिचय तो हो गया, अब अपने बारे में भी तो कुछ बताओ ना। कहाँ की हो, कहाँ घर है, घर में कौन कौन है, ये सब जानने वाले आप कौन होते हैं? मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, ये जान लीजिए। गांव और आपके घर के बारे में पता लगा कर मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। ओके, सी यू अगेन। मारिया, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है क्या बताऊं? जिंदगी तो बिल्कुल उलझी हुई है। देखो, अपनी नई फ्रेंड को ये नंबियार साहब कौन है उनके बारे में पूरी जानकारी दे दो, तभी तो मैं उसके करीब जा सकता हूँ। सी यू। ये छठा पैग है आपका, आप बस भी करो। अपने लिए एक बियर तो मंगाओ। ये दूसरी है, मेरे लिए इतना काफी है। ओके। मैं जिस पर नजर रखे हूं, अगर तुम उस पर नजर रखते तो ऐसी फालतू की बातें क्यों करते, ये बता मुझे। मैं समझा नहीं। वो क्या है ना कि वो नई नर्स सेजल को रास्ते में रोककर तुमने उससे बात किया है, ऐसा सुना है मैंने। देखो, मर्द तो किसी औरत को रोककर कोई भी सवाल पूछ सकता है ना, क्या सिर्फ तुम ही उस औरत से बात करोगे? हाँ, पर मैं उसे उठा ले जाऊंगा। अरे तुम तो मेरा जूठा खाते हो। है? मैं हमेशा तुम्हारा जूठा खाऊंगा, ऐसा मत समझना तुम। ओ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी मूछ निकाल कर तुम्हें सल्यूट करूंगा, सल्यूट, समझे? चलो अब यहाँ से उठो और दूसरे टेबल पर जाओ, चलो बहुत हो गया, निकलो। जाओ ना, जाओ। छे, आप दोनों हमेशा लड़की के लिए लड़ते ही रहते हैं, इट्स रियली शेम। अरे वो मुझे देखकर जलता है, मैं उसे देखकर जलता हूँ। अभी मुझसे जलने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं तुझे मारना चाहता हूँ। अरे तुम मुझे मारोगे, चलो देखते हैं आज तुम्हें। सुनो नायर, चोट लगेगी तो मेरे पास ही आओगे, चलो जाओ यहाँ से। राज भाई, बैठ जाइए, अपना पैक खत्म कीजिए, फिर निकलते हैं। तो सेजल से मिलने की कोशिश की आपने? हाँ? तुम सेजल के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तुम दुनिया की लड़कियों को बचाना चाहते हो? अगर तुम्हारा उसके साथ कुछ हो तो मैं छोड़ देता हूँ। अरे मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे ऐसे सताना ठीक होगा। उस मासूम लड़की की बदबू आज नहीं तो कल हो सकता है। नहीं, मैं... हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, ज्यादा बात करेंगे तो बोर हो जाएंगे। बोर हो गया तो फिर वेटर, 2 डबल लार्ज। ऐसे नहीं, तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो, मैं दिखाता हूं। उतरो, मुके जा, पीछे गिर जाओ। देख, अब कैसे मेजर? फीलिंग बेटर डॉक्टर। दैट्स गुड। अभी कुछ टाइम के लिए इनको यही सेम दवा देनी है। यस डॉक्टर। सर्विस में पहली बार धोखा खाया हूं। रस्सी को पकड़कर जैसे ही ऊपर गया तो तुरंत ही ब्लैकआउट हो गया। 5-6 सिगार पी के
और 8-9 पैग रम पी के कोई भी ब्लैकआउट तो हो ही जाएगा। यस दैट इज ट्रू। उम्र तो 40 से ज्यादा हो गई है, अभी आपको हर चीज में कंट्रोल करना जरूरी है, जैसे दारू पीना और सिगार पीना। एक दो दिन में आप अपने काम पे जा सकते हैं। सी यू टुमारो। सी यू, आई विल जॉइन इन द ऑफिस सर। ओके राज भाई, देखो ये एक वार्निंग है, शादी करके सेटल होना जरूरी है, तभी तो इस जिंदगी में थोड़ा बदलाव आएगा आपके, नहीं तो लड़की और शराब के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएंगे। देखो गिरा तो अच्छा ही है, और मैं यहाँ नई नई लड़कियों से तो मिल सकता हूँ, इन लड़कियों से मिलने का और कोई दूसरा मौका मिलेगा भी तो नहीं। हाँ क्या बोलते हो? आपसे बोलने का कोई फायदा नहीं, कुछ लोग देख कर सीखते हैं तो कुछ ठोकर खाके, पर आपको तो ऊपर वाला ही बचाएगा। पांडे सर, 3-4 दिन मुझे यहीं पर रहने के लिए कहा है ना? जी साहब। अच्छा वो ये आदमी गिर गया, इसका हाथ पैर टूट कर 1 महीना बेड पे पड़ा रहा, तो इसे शादी करने की इच्छा हो जाएगी, तब ये भी खुश रहेगा और मैं भी, तब ये भी खुश रहेगा और मैं भी। क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, खाना क्या बनाना है वो सोच रहा हूँ। अरे अरे चाचा गए। हाँ चाचा, क्या तुम्हें पसंद नहीं मेरा आना? साफ साफ बताओ मुझे। बिल्कुल पसंद क्यों? नहीं है। अभी पिछले हफ्ते तो आकर गए थे। हाँ भाई, मेरे बेटे से जब मन करेगा मिलने आऊंगा, इसमें तेरे अनुमति की कोई जरूरत नहीं। चला मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। तुझे क्या हुआ मेरे बब्बर शेर? अपने चाचा को क्यों नहीं बताया? मैंने तो सपना देखा, तुम जल्दी आओ ऐसा कह रहे थे तुम, इसीलिए मैं दौड़ कर यहाँ आया हूँ। जरा इसे पकड़ो, बैठने के लिए कोई कुर्सी नहीं है क्या? नहीं है। बेटा तुम्हें हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं, बस 3-4 दिनों में घर चले जाएंगे। घर तो वापस जाएंगे, तुम तो गिर गए थे ना, तो यहाँ के दवा से कुछ नहीं होने वाला। सुनो, यहाँ कहीं पर ब्रांडी मिलेगी क्या? क्या पी कर पलटने के लिए खाट मिलेगा क्या? मिलेगा। अच्छा गर्म पानी मिलेगा क्या? मिलेगा। काली मिर्ची मिलेगी क्या? बनाने के लिए वो नहीं, बेवकूफ कहीं का। 2 ऑंस ब्रांडी में 2 ऑंस गर्म पानी मिलाकर, 2 स्पून काला मिर्च मिलाकर अच्छे से मिलाएंगे, फिर इसे पिला देंगे। इस तरीके से 6 बार इसे दिया तो, और वैसे ही मुझे भी गर्म पानी में ब्रांडी मिलाकर दिया तो, सारा दर्द दूर हो जाएगा और तुम ठीक होकर दौड़ने लगोगे, और तुम्हें फिर से अपने पैरों पर दौड़ता हुआ चलता फिरता देखकर तुम्हारा चाचा निश्चिंत होकर चला जाएगा। आपको रुकने की जरूरत नहीं पांडे, है ना, 1-2 दिन के बाद गाँव वापस चले जाइए। वैसे माँ कैसी है चाचा? 4 दिन पहले उसका पैर सूज गया था, मैंने काढ़ा पीने को दिया, ठीक हो गई। खैर ये सब छोड़िए, आपको फोन करते वक्त कहा गया था शहर और पापड़ लाओगे, लाए हो क्या? किसे कहा था? माँ को। किसे? माँ को। देखो मैंने कहा था ना राजा बेटे, देखो मैं फिर से भूल गया लाना। अरे तुम्हारी माँ ने दिया था, मैं बैग में डाला भूल गया। मुझे लगता है कहीं दारू पीकर वहीं कहीं छोड़ कर आए हो चाचा। देखो तुम ज्यादा मस्ती मजाक मत क्या करो, मिलिट्री में हो ये भी नहीं देखूंगा। अच्छा, छोड़ो, 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 छोड़ो। सुनो हा? चाचा को अपने क्वार्टर में लेकर जाओ, और चाचा तुम कल सुबह चले आना। यहाँ बहुत ठंड है बेटा। सही ये चाचा नहीं चाटने वाला है, ये सारा रम पीकर खत्म कर देगा, क्या करूं? ए चलो, कोई मर गया क्या जो सोच में पड़े हो? कुछ नहीं तो फिर चलो ना। अल्लूपुला में तुम्हारा घर है, पिताजी ड्राइवर का काम करते हैं, एक बड़ी बहन है और एक छोटी बहन और एक भाई भी, सिविलियंस क्वार्टर्स में रहते हो तुम लोग, मुझे दर्द नहीं हुआ। अगर जो हम दोनों एक साथ में रहे तो एक दूसरे को समझ सकते हैं, तो बोलो क्या कहना है तुम्हारा?